ये वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसा मोटो नहीं कि मैं किसी बैंक की बुराई करने का मेरा प्लान है। दोस्तों पर्सनल लोन जो होता है वो क्या होता है ना कि अचानक हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, परेशानी आ जाती है और हमारे पास कहीं पैसे का जुगाड़ नहीं होता, तो हम अपने सैलरी के बिहा पे, अपने सिविल के बिहा पे ऐप से, बैंक से लोन ले लेते हैं और उसको पर्सनल लोन बोला जाता है। अलग अलग नज़रिए से अगर देखें तो हर बैंक अपना प्रोडक्ट लोन के रूप में बेचता है, जैसे कि होम लोन भी बिकता है, कार लोन भी बिकता है, एजुकेशन लोन भी बिकता है, तो हर चीज़ का अलग अलग सैरोगेट होता है। अब अगर आप होम लोन लेंगे उसमें दो सैरोगेट होता है, होम लोन यानी कि बिल्डर से फ्लैट ले रहे हैं या घर ले रहे हैं तो बिल्डर के पास जाएगा, लैप ले रहे हैं तो आपके अकाउंट में आएगा, एजुकेशन लोन जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करेंगे आप उस यूनिवर्सिटी के नाम पे पैसा जाएगा, कार लोन डीलर के पास जाएगा। लेकिन पर्सनल लोन यही एक ऐसा लोन होता है जो आपके अकाउंट में आता है। तो आपको अचानक आ जाए प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम किस टाइप की हो सकती है? प्रॉब्लम मेडिकल की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, शादी की हो सकती है, ट्रैवलिंग की हो सकती है, इन सारी चीज़ों में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और कई बार हमारे पास पैसे होते नहीं हैं और पैसे अगर हम मांगते भी नहीं शर्म से, हम सोचते हैं यार किसी से मांगेंगे अगर किसी ने मना कर दिया तो क्या कहा क्या हो जाएगा, मतलब वो दे ना दे तो अच्छा नहीं होता ना, तो इसलिए हम पर्सनल लोन हम ले लेते हैं, बैंकों से अप्लाई करते हैं। आप ऐप से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो पेपर के ज़रिए भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो पर्सनल लोन सभी बैंक अपना अलग अलग ब्याज लेते हैं, हर बैंक का अलग अलग ब्याज होता है, सब जो अलग अलग लेते हैं तो किस हिसाब से लेते हैं इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा बैंक सबसे कम रेट पे पर्सनल लोन दे रहा है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियोस बनाई है कि लोन क्या होता है, लोन लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ बैंकर से पूछना है, लोन अगर ले रहे हैं तो 1,00,000 रुपये अगर ले रहे हैं 1 साल के लिए तो उसकी कितनी ईएमआई होगी, मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है तो आपको उन सैलरी पर कितना लोन मिल जाएगा, लेकिन सबसे सस्ता लोन कौन सा बैंक दे रहा है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑनलाइन रिसर्च किया गया है, बैंकों की वेबसाइट से लिया गया है, कोई एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हर दिन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप इसको 100% नहीं मानिएगा। बस मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए यह मैं ऑनलाइन जो रिसर्च किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के लिए सस्ता लोन दे रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.90। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है और इसमें आप अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको आसानी से लोन ना मिले। गवर्नमेंट बैंक में थोड़े से डॉक्यूमेंट्स जो है ना ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल होते हैं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करके बनाती है। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल बैंक है जिसका 8.90 है दोस्तों, उसके बाद PNB है 8.90 पे, इंडियन बैंक है 9.05, पंजाब एंड सिंध बैंक है 9.50, IDBI बैंक है 9.50, SBI 10.60 पे लोन दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे दो सिनेरियो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, 10,00,000 से ऊपर, 10,00,000 से नीचे। आप 10,00,000 से ऊपर लेंगे तो 10.30 होगा और नीचे लेंगे तो 10.80 का लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा आपको। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप बड़े आसानी से लोन मिल जाता है, आप चाहे तो अपने योनो के माध्यम से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर इसमें कोई सहायता लेनी है तो इस व्हाट्सएप पे आके आइए, हम आपको बता देंगे कि SBI से आपको लोन लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कैसे आपको मिल जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खासकर आर्मी पर्सन, पैरामिलिट्री पर्सन के लिए बड़े आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है। उनका एक लोन होता है एक्सप्रेस लोन होता है जो आपको बैंक एक्सप्रेस तरीके से फटाफट सेम डे में आप लोगों को दे देता है। तो अगर आप लोगों को इस लोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो प्लीज़ व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्सप्रेस लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ आपका क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगा और आपकी EMI कितने सालों तक की हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्सप्रेस लोन मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लिए उन्होंने स्पेशल डिज़ाइन किया है। तो उसके बाद अगला बैंक जो है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो 10% के ROI पे आप लोगों को लोन दे रहा है। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक जो आपको
10.25 यानी कि प्राइवेट बैंकों का सीनेरियो में 10.25 का सबसे सस्ता रेट कोटक बैंक दे रहा है, लेकिन इनका जो एफआईआर होता है वो थोड़ा सा कम होता है और इनका प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो अपना एवरेज बैलेंस अपने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोगों से देकर पूरी कर लेते हैं। दोस्तों प्राइवेट बैंक का यस बैंक आपको 10.40 पे पर्सनल लोन दे रहा है, IDFC बैंक 10.49, HDFC बैंक 10.50 पे आपको पर्सनल लोन देता है। तो दोस्तों HDFC बैंक का जो सिनेरियो होता है वो बड़ा आसान होता है, आपकी सैलरी का ये लोग अच्छा FOIR दे देते हैं और आपको लोन भी ये बड़े आसानी से दे देता है। इनका प्रोसेसिंग फीस भी फिक्स होता है और ये लोग इंश्योरेंस के लिए भी आपको कन्वेंस नहीं करते हैं, तो इसलिए इनका 10.50 रेट भी आपके लिए सस्ता ही होगा क्योंकि इनके क्लोजर वगैरह का झोल झाल होता है वो कम होता है। उसके बाद दोस्तों आपको ICICI बैंक भी 10.50 पे दे रहा है और इसका भी लोन लेने का जो तरीका होता है बड़ा आसान होता है। आप अगर HDFC और ICICI के इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप WhatsApp में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स में और कहां कहां ये आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, तनख्वाह अच्छी है, तो आप यहां पे इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं बैंकों के साथ। एक्सिस बैंक आपको बाय बार्गेनिंग करके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन प्रोवाइड कर देता है। तो यहां पे मैं चार बैंकों के नाम बताऊंगा जिसमें अगर आपका लोन लेने का प्लान है तो उसको आप चूज कर सकते हैं। जो तो सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके बाद है HDFC बैंक जो 10.5 से लेकर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है लेकिन उसका PF कम होता है, फिक्स PF होता है। उसके बाद दोस्तों ICICI बैंक है जो आपको 10.50 पे लोन दे रहा है लेकिन इसका भी प्रोसेसिंग फीस कम है और FOIR जो होता है वो ज़्यादा है, तो इससे भी आपको लेने में फायदा है। टेन्योर भी ये 7 साल तक आपको दे देते हैं, डेजिनेशन पे डिपेंड करता है। एक्सिस बैंक का दोस्तों बात कर ले तो एक्सिस बैंक भी आपको अगर बार्गेनिंग करेंगे, अच्छी सैलरी है, अच्छा सिविल है, तो आपको वह 10.50 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देता है। दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि अभी बैंकों का जो RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया, इसी कारण से आप लोगों का लोन महंगा हो गया है, लेकिन यही बैंक पिछले अप्रैल तक यही बैंक आपको जो रेट दे रहे थे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों 9.85 था और HDFC ICICI आपको 10.1 से स्टार्ट करके लोन प्रोवाइड कर रहे थे। तो दोस्तों आपको अगर लोन लेने का प्लान है, अगर आपको पर्सनल लोन की जानकारी नहीं है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से पेपर लगते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और कुछ सवाल जो बैंकर से आपको पूछना है वो इस ये वीडियो बना रखिए, आप देखिएगा तो आपको लोन लेने में बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क पड़ जाएगा। कुछ चीज़ें जो आपके लोन को सस्ता करने में आपकी हेल्प करती है दोस्तों, वह होती है आपकी सैलरी, आपका FOIR जिसको फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो बोला जाता है, आपका डेजिनेशन उस कंपनी में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं और आपका सिबिल स्कोर कैसा है। यह सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने पहले किसी बैंक से लोन ले रखा है और वो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो दोस्तों इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है जिसको बैलेंस ट्रांसफ़र बोला जाता है। आप जिस बैंक का लोन ले रखा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए और अगर वो मान लीजिए महंगा है तो आप अदर बैंक से जाके आप उसको ट्रांसफर करा के पहले बैंक का लोन क्लोज कर सकते हैं, उसको बैलेंस ट्रांसफर बोला जाता है। बैलेंस ट्रांसफर में आप महंगे रेट को सस्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में रेपो रेट के और पॉइंट्स बनेंगे तो हो सकता है लोन और महंगा हो जाए। आपने जो लोन ले रखा है क्या रेट पे चल रहा है कमेंट्स में बताइए और किस बैंक से चल रहा है, कि जानकारी अगर आप लेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान आपकी योग्यता को बढ़ाता है। इसी आशा विश्वास के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करिए और कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो आइए व्हाट्सएप में, मैं और मेरी टीम आपको उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आपके माइंड में है। तो रखिए शेयर का ख्याल क्योंकि जान है तो जहान है। सी यू।